तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल चौपाली पर। मेरा नाम है पामी और सुबह सुबह हम एक बार फिर से अपनी वो स्कूल वाली दुनिया के अंदर आ चुके हैं और आज दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं कसरत से। लेट्स गो। और भाई साहब कसरत का तो एक बहाना ही है, मेरे को मिल चुका है। रियल लाइफ में मैं यहाँ पर पूरी सिटी भी इंजॉय कर रहा हूँ और एट द सेम टाइम कसरत भी कर रहा हूँ और ये आगे से रास्ता ही बंद है। ये देखो बाइक के ऊपर आ रहा है, दुबड़े बंदे हम कसरत कर रहे हैं भाई। ये बाइक की भाई इधर से बड़ी, इधर को पता तो बाइक के इंजन के अंदर बैठा हुआ, इधर को पता भी है। बट एनीवेज गाइस यहाँ से निकलते हैं, सीधा चलते हैं घर की तरफ। और आज की कसरत तो मैं बता रहा हूँ कुछ ज्यादा बड़ी हो चुकी है, कुछ ज्यादा लंबी भी हो चुकी है। और ये देखो बाइक की शॉप यहाँ पर बनी हुई है भाई, मेरे को पता भी नहीं था। और ये देख रहे हो लिटरली ब्रोस, ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे जापान की गलियों के अंदर घूम रहा हूँ। और यार जापान की गलियों से याद आया, मेरे जापान के ब्लॉग भी अभी तक तो आ चुके होंगे, तो जाके फटाफट से जाके इनको चेक करना अपने चूरन वाले चैनल के ऊपर। और अभी चलते हैं घर क्योंकि मेरे को स्कूल के लिए लेट नहीं होना। और अभी सीधा चलते हैं ऊपर वाले माले के ऊपर और लॉगी को उठाना है और हैंग होना सकते हैं। किसकी आवाज आ रही है? वॉट, ये तो लिटरली लॉगी की आवाज है। और मैं बताना भूल गया गाइस, रात को हम 3-3 बजे तक बैठे हुए थे और हमने क्या मस्ती मारी ना नए नए टॉयज के साथ। और लॉगी बिल्कुल सोया भी नहीं और उसके कारण वो अभी उसका सुबह सुबह सर दुख रहा है, नॉट सर दुख रहा है, उसका टीवी दुख रहा है। और ये देख रहे हो अपना कमरा एकदम से सुपर क्लीन, ऑब्वियसली गाइस अपना कमरा, और हम अपना कमरा एकदम से सफा सुथरा रखते हैं। तो काम करते हैं, अभी चलते हैं लॉगी कमरे के अंदर। और ये देखो पूरा गंद वगैरह उठाया भी नहीं उसने। मैन उसके मैंने बोल कर रखा था कि भाई सोते समय पूरा गंद चक लियो, लेकिन अपनी बात कौन सुनता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, अभी मेरे को चीखे वगैरह नहीं मारनी और अभी मेरे को आराम आराम से लॉगी कमरे के अंदर जाना है और मेरे को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। और ऑब्वियसली गाइस सुबह का टाइम है तो स्कूल के लिए तो वो उठ जाना चाहिए अभी तक तो, लेकिन उसकी आवाजें सुन के आई डोंट थिंक कि वो उठा होगा। तो अगर मैं आराम से यहाँ पर देखूँ तो ये देखो, ओ माय गॉड, अभी तक दुबड़ा बंदा सो रहा है। सूरज निकल के आ चुका है लेकिन नहीं, ये बंदा अभी तक सो रहा है। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, लॉगी को आज आराम करने देते हैं और मैं स्कूल में जाके टीचर जी को बोल दूंगा कि लॉगी आज स्कूल में नहीं आने वाला। और मेरी बस की आवाज भी आ चुकी है, लेट्स गो। अभी आ चुका है गाइस स्कूल जाने का टाइम। आ रहा हूं, हॉर्न बजाने की जरूरत। भैंस की दरवाजा मुंह के ऊपर बंद हो रहा है। आ रहा हूं भाई, दरवाजा खोलो। आ रहा हूं यार, मेरे को ले, मैं अपने घर का दरवाजा खुद नहीं खोल पा रहा। बट एनीवेज गाइस आ रहा हूँ टीचर जी, आ रहा हूँ। देखो ज्यादा चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है हम स्कूल के लिए लेट हो चुके हैं, ठीक है ना। एक मन खोल के मारूं क्या, तेरे को पता नहीं दुबई सिटी के डॉन है। हाँ तो चलिए गाइस, ये अपनी बस यहाँ पर आ चुका था, मेरे को थोड़ी बहुत इन्वेंटरी अपनी सेट करनी है और आज हम बैठेंगे एकदम से पीछे। अच्छा आ गई, बैठ गया, चलो लेट्स गो। और अभी आ चुका गाइस अपने स्कूल जाने का टाइम। तो ये है अपना डे नंबर 2। अभी मेरे को पता नहीं है कि चीफ ने कितने दिन के लिए यहाँ पर रहने के लिए बोला है। I don't know, maybe इसके बाद अब ये ना हो कि इसके बाद हमको चीफ बोल रहा है, नए रूल्स बना रहा है और बोल रहा है कि तुमको अभी हाई स्कूल जाना पड़ेगा, फिर कॉलेज जाना पड़ेगा, फिर यूनिवर्सिटी जानी पड़ेगी। आई डोंट नो, इतना तो मैं कसम से बता रहा हूँ, इतना तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, गाड़ी से उतरते हैं और ये रहा अपना खतरनाक वाला स्कूल। और ये रही अपनी खड़ूस टीचर, लिटरली ग्रैनी लग रही है मेरे को। ग्रैनी 4 की विलन होगी ना, तो मैं पक्का बता रहा हूँ ग्रैनी 4 के अंदर इसको ही रोल दिया जाएगा। कम टू द स्कूल, आ रहा हूं, दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं है। हेलो चुन्नू मुन्नू, बाकी के लौंडो कैसे हो? तो सबसे पहले गाइस मेरे को यहाँ पर अपना बस्ता रखना, और देखो मेरा बस्ता मेरी जगह किसी और ने हड़प ली। लेकिन चले कोई बात नहीं गाइस, अपना बस्ता मेरे को रखना है यहाँ पर। और मैं घर से, मेरे को याद है गाइस, मैं घर से साइन लेके आया था और मेरे को अपना साइन यहाँ पर लगाना था ताकि मैं नहीं चाहता कि हर बारी मेरे को चूमो बच्चों से लड़ना पड़े। हेलो टीचर जी, कैसे हो बताइए, आज के कौन सी चिमकांडी गिरी है? कल तो गाइस आपको याद होगा कि हमने ये छोटे मोटे टास्क करके रखे हुए थे, तो ये आज क्या करना बताइए मेरे को। वेट फॉर द अदर किड्स, व्हाट? अच्छा लॉगी की बात कर रही है। देखिए टीचर जी, देखो लॉगी गायब है, वो उसका सर बहुत दुख रहा है, तो वो आज इस कारण वो आज स्कूल नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। ओके सो वी हैव अ न्यू जॉइनिंग, किसी और ने ज्वाइन किया क्या? लोग अगर मैं बाहर जरा चेक करके आऊँ, अब ये मत बोलना कि नए बच्चे आ चुके दुबई सिटी से, कोई भी तो नहीं है यार। लेकिन मारते हैं टीचर को गोली और एक बार फिर से गाइस क्लास के अंदर चलते हैं और मैं दरवाजे यहाँ से बंद कर देता हूँ। हेलो टीचर जी, कैसे हो? अरे मैंने आपको अभी तक स्कूल का टूर भी नहीं करवाया, तो बेसिकली ऊपर जाना फिलहाल हमको मना है। तो ऊपर वो बच्चे जाते हैं जिनकी एक्चुअली छुट्टी बंद होती है, तो जो नोटी वाले बच्चे होते हैं ना वो ऊपर जाकर रुकते हैं। और यार अपनी मेन क्लास, और ये कौन आ गया? हेलो सर जी, अबे यहाँ पर धूम फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही, तेरे को स्कूल वाली बस के अंदर आना था, नुबड़ा बंदा बाइक के ऊपर आ रहा है। वी ए मेरी बात सुन, जब हमको चीफ पनिशमेंट दे रहा था तू तो वहां से भाग कर निकल गया था, तो यहाँ पे कैसे आया है तू? अच्छा ऑब्वियसली बाइक के ऊपर आया यार, मैं भी कैसे गधे वाले बात का काम कर रहा हूँ यार। ओके तो ये है अपना चीफ, इतना बदतमीज है। अच्छा तेरे साथ, अच्छा तेरे साथ चीफ ने बदतमीजी की, अच्छा सही बात है। ये बंदा हमारे शहर के अंदर आया है क्यों? मेरे को पकड़ कर जबरदस्ती स्कूल भेज रहा है,
नो शिट, हमको भी पकड़ कर जबरदस्ती स्कूल भेज रहा है। लेकिन चलो क्या कर सकते हैं यार, वो चीफ है हमारे शहर का, हम उसे कुछ नहीं बोल सकते, तो जैसा वो बोलेगा वैसे हमको करना पड़ेगा यार, टेंशन मत कर। बगावत करते हैं उसको उसके हाँ उसके खिलाफ, बॉम्ब से बॉम्ब से नहीं उड़ाना, अपना चीफ है ठीक है ना। आज मैं तेरे को अपना स्कूल दिखाता हूँ, लेट्स गो गाइस। ये रहा अपना नया वाला स्कूल, और टीचर जी सुबह बोल रही थी कि आज नए बच्चे आने वाले, तो ये नया बच्चा, और ये भाभी जी नहीं है नूबड़े पागल बंदे, वो भाभी जी नहीं है, भाभी जी तो डायन लग रही है तेरे को बता। सॉरी टीचर जी, मैं अपने क्या बोलते हैं इसको, मैं अपने काबिल दोस्त की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, तो या सॉरी, ये इसका थोड़ा बहुत स्क्रू, नहीं स्क्रू नहीं, पूरा ही ढीला बंदा, देखो इतना ढीला बंदा छलांगे मार रहा है, ये बिना पिए टल लिए, तो या इसकी ओर से मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है। ओके सो लिसन, हम सुन रहे हैं ना, तेरे से बात कर रही है वो। टुडे वी विल लर्न नंबर्स, ओके ये नंबर गिनती सिखा रही है हमें यार, लेट्स गो, ये मेरे को गिनती सिखा रही है। अरेंज द नंबर्स इन द राइट ऑर्डर, कौन से वाले नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, ये वाले नंबर के बारे में, मैन ओके। तो या हमको तो टीचर जी बिल्कुल आता भी नहीं था नंबर्स कैसे अरेंज करते हैं, अबे हेल्प करना, क्या कर रहा डुबड़े बंदे, जल्दी छुट्टी करनी है मेरे को यहाँ पर, थोड़ा बहुत बेवकूफों की तरह खेलना ठीक है, टीचर को लगना नहीं चाहिए कि हमारा IQ आइंस्टाइन से भी ज्यादा आगे है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत बेवकूफों की तरह हमको एक गेम खेलनी है, और उसी के साथ ये टीचर खुश भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो मेरे पास आ चुका है नंबर वन, ओ माय गॉड, अब ये नंबर वन में कहां पर लगाओ, चपाती भाई झूठ बोल रहा है, गलत बात, फिर तेरे को बताता हूँ मैं, आज भले ही मेरी छुट्टी बंद हो जाए लेकिन तेरे को मैं ठिकाने जरूर लगा के आऊंगा। वो देखो बाकी बच्चे चीखे मारे, लड़ाई होगी पागल, मैं तेरे को बताता हूँ, बस तू सबर कर, अगर आज मेरी छुट्टी बंद हुई ना तो तेरे को मैं बता रहा हूँ, बहुत पिटेगा मुझे घर जाके। ओके हाँ टीचर जी, ओ माई गॉड, मेरे को नंबर वन, अच्छा ऑब्वियसली नंबर वन गाइस यहाँ पर जाएगा, चल नंबर टू किसके पास है, बंदर वाले मुंह, नंबर टू तेरे पास है, लगा दे। हाँ अबे इतना नाटक मत कर, जल्दी कर लगा, क्या कर रहा है तू, पता है मेरे को, अब क्या कर रहा है दुबड़े, मैंने तेरे को डाटा करने के लिए बोला था भाई, तू तो पूरा ड्रामा कर रहा है यहाँ पर, पागल बंदा, मैंने इसको बोला था कि थोड़ा बहुत बेवकूफों की तरह खेलना है, ये तो बेवकूफ ही है, दुबड़ा लगा दिया, मैं खुद लगाता हूँ यार, अगर ये ऐसे करेगा ना तो गाइस मैं बता रहा हूँ यार, हमारी छुट्टी परसों तक भी नहीं होने वाली, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, और बिल्कुल भी हम शहर की तरफ जा ही नहीं पाएंगे। तो ओके ये रहा नंबर टू, और आता है ये कौन सा नंबर है, नंबर तीन है क्या, ओके नंबर तीन, अभी नंबर चार आएगा। ओ भाई टीचर देखो मैं कितना ज़्यादा क्लेवर हो चुका हूँ, मैंने एक ही बार में चार नंबर लगा दिए, देख रहे हो ना, अभी पाँच नंबर तेरे पास है, बंदर लगा दे, चल लगा, ओके पाँच नंबर से लगा दिया, लेट्स गो। और अभी छः नंबर कहाँ पर जाएगा, फाइव सिक्स, क्या यार कहाँ फंस गया मैं यार, सेवन एंड ये एट और नाइन तेरे पास होगा, लगा दे फटाक से, लेट्स गो। तो लीजिए टीचर जी, हमने नया वाला टास्क कंप्लीट करके रखा हुआ है, तो आपने बोला था कि नंबर रीअरेंज करने हैं, तो लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे के सारे नंबर हमने लगा दिया, और इसी के साथ गाइस हमको गुड मिला, लेट्स गो। चलो टीचर जी मिलते हैं कल, हमारी छुट्टी, चला जा निकलते हैं, चुप कर, निकल निकल निकल, नाउ इज प्ले टाइम, हाँ प्ले टाइम, आप खेलो, हम निकलते हैं, चला जा भाई, क्यों पर आ जा, कम पे देखिए, कम बैक, तेरे को मैंने बोला था ना, तेरे को मैंने बोला था ना कि जल्दी निकल लेते हैं, फंस गए ना यहाँ पर। ओके हाँ जी टीचर जी आ गए, तो लीजिए अपना पहला टास्क तो अपना कंप्लीट हो चुका है, देखो आपने बता कर रखा था कि एक दिन में हम एक ही टास्क करेंगे, कल हमने पूरा दिन सिर्फ एक ही टास्क किया था, गो टू द प्ले ग्राउंड, ले अब ये मत बोलना कि यहाँ पर झाड़ू मार रहा है, टच्ची के अंदर क्या पड़ा हुआ, ले टच्ची के अंदर मिट्टिया लगा कर रखे इन लोगों ने यार, मिट्टी छवा हो गया सब कुछ यार यहाँ पर तो, लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, मेक ए सैंड कैसल। ओके तो हमको यहाँ पर मंदिर वाले मुंह सैंड कैसल बनाना है, मेरे को बनाना आता है सैंड कैसल, तो काम करते गाइस, सैंड कैसल बनाने के लिए मेरे को ये सबसे पहले थोड़ी बहुत ये चीजें वगैरह जो है उठानी पड़ेंगी, तो ये भी चख लेता हूँ। ओके तो सैंड कैसल गाइस आई थिंक बनाना बहुत ज्यादा इजी है, तो काम करते हैं, मैं ना ऑब्वियसली गाइस बिल्डिंग में तो हम एकदम से नंबर वन है, और हमने तो पूरी दुबई सिटी बना के रखी हुई है, तो मैं एकदम से, अबे क्या कर रहा, मत कर, अबे पहाड़ बना दी तूने, मारूंगा तेरे को मैं, हंडी कर यहां से, उधर जा, किधर मर गया ये दुबड़ा बंदा, इसकी वजह से पूरे काम नहीं हो रहे, तेरे को तोड़ना भी क्या, ये तूने टीवी टावर बना के रखा है क्या, लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, ओके मैं फटाफट से ना सारी चीजें तोड़ लेता हूँ, और मैं तेरे को कसम से लगा देने, मैं तेरे को उल्टे हाथ के, किधर गया ये देख मेरा हाथ देख रहा है, ये देख हाथ, ये मेरा हाथ है, एंड अभी मैं तेरे को उल्टे हाथ के लगाता हूँ, ठीक है, सीधा खड़ा रहा, हिल मत फटाक, नहीं पड़े फटाक, देखा इसे कहते उल्टे हाथ की चपेट, हाँ इससे मैंने बहुत उल्लू सीधे किए हैं, ये तो फिर ही बंदर है,
लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, ये लगाते हैं यहाँ पर, ये लगाते हैं यहाँ पर। थोड़ा बहुत बड़ा तो बनाना है, क्या कर रहा है तू यहाँ पर। तो ओके, तो एक ऐसे जाएगा, एक कैसे जाएगा, एक कैसे जाएगा। तो जैसा मैंने बताया गाइस कि मैं छोटा सा लाइक एक बेसिक सा सैंड कैसल बना रहा हूँ, और इससे ज़्यादा ऊपर नहीं करना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और सैंड कैसल के अंदर ऑब्वियसली गाइस अपनी देख भाई, एक बंदे को उसने बोल कर रखा था सारा काम तू ही कर रहा है, भाई मेरे को भी यहाँ पर नंबर लेनी है। और फाइनल वाला ब्लॉक जाएगा यहाँ पर, आ लीजिए। इसी के साथ ही गाइस अपना सैंड कैसल यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, और अंदर जाने के लिए मेरे को यहाँ से दरवाजा भी बनाना पड़ेगा। अच्छा दरवाजा नहीं बना सकता क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर से सैंड गिर जाएगी मैन। ओके तो दरवाजा कैंसिल हो चुका है, तो दरवाजा हमको नहीं बनाना। तो यहाँ से मेरे को ये ब्लॉक भाई, हेलो मत बना दरवाजा मेरे भाई, मत बना, मार दूंगा तेरे, मैं कसम से छुरी मार देनी तेरे को मैंने, लग तलवार साथ में लेके आया हूँ मैं, खोलू क्या? वो बोलता भी नहीं है, पागल हो चुका है। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, देख मत कर, देख मैं तेरे को बता रहा हूँ मत कर। अच्छा साइन लगा रहा, ओ बंदा एक्चुअली कुछ ज्यादा ही चालू है यार, हट जा सामने से हट जा। ओके यहाँ से भी तोड़ो, यहाँ से भी तोड़ो, यहाँ से भी तोड़ो एंड यहाँ से भी तोड़ो एंड लीजिए। अरे अनुष्का मेरे को एक और ऊपर लगाना ब्लॉक यार, गलती कर दी मैंने यहाँ पर। अच्छा से लगा भी दिया भाई, तो प्लीज मेरी बात सुन ले, या तो धूप बना ले या तो मेरे को बनाने दे। बट एनीवेज इसी के साथ ही ब्रोज अपना सैंड कैसल यहाँ पे एकदम से रेडी हो चुका है। नाइस लेट्स गो, अभी टीचर कहाँ मर गई? और बंदर वाले मुँह टीचर आ रही है, लेकिन सामने मत आई हो। कहाँ पर जा रहा है यार ये भाई? हेलो, ये लिटरली स्कूल से भाग गया। ले ले ले, मैंने सुना था कि बच्चे स्कूल से भागते हैं, लेकिन लिटरली भाई मेरे सामने स्कूल से भाग भाग लेके जा रहा क्या वो? हे भगवान, हे भगवान, ये कैसा बंदा है यार ये? किधर के? अबे निकल जा बाइक के पास, उनकी टीचर से आ जाएंगी। ओके ये मरवाएगा, ये मरवाएगा, इसके चक्कर में मेरे को पढ़ना ही नहीं है ब्रो, मेरे को पूरे टास्क करके ईमानदारी से यहाँ से निकलना है, ठीक है ना? देख लीजिए टीचर जी क्या मस्त कैसल मैंने बना कर रखा है, ऐसा कैसल आपने जिंदगी में नहीं देखोगा। देख रहे हो क्या? देखो अंदर इंटीरियर, देखो इंटीरियर, देखो साइन, देखो साइन के ऊपर क्या डी लिखा, साइन हाँ साइन के ऊपर डी लिखा है, डी हाँ, ये डी का कैसल है, डी का स्ट्रॉन्ग। हेलो, आपने बोल कर रखा था कि सैंड कैसल बनाना है, और ये सैंड कैसल ही है। वेयर इज द अदर किड? वो देखो अपने दोस्तों को ट्रबल में तो मैं डालूंगा, तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि वो स्कूल से लिटरली भाग चुका है बाइक के ऊपर। वेयर इज द अदर किड? वो उसको एक्सप्लोसिव डायरिया हो गया, तो वो टॉयलेट करने गया। हाँ तो अगर आपके टॉयलेट से अंदर वो धमाके की आवाज आ रही, तो प्लीज वहां पर मत जाना। मैंने क्या किया ब्रो? होली क्रैप, मेरे क्यों पड़ रही है यहाँ पर? यू गोना बी डिटेन्ड, कब छुट्टी बंद हो गई मेरी? व्हाट द हेल, मेरे को लगा था कि ये लास्ट वाला टास्क होगा। इन सब की छुट्टी भी इन लोगों ने यहाँ पर बंद करके रखी हुई है मैन। कहाँ पर लेके जा रही है मेरे को ये क्या है? देख मैं तेरे को पहले बता रहा हूँ, मेरे को पूरी रात यहाँ पर नहीं जाना, ठीक है ना? अबे मेरे को बाहर निकल, मेरे को घर जाना था यार। क्या यार, कैसल सारे रास्ते मैंने किए, नंबर वन गेम मैंने खेली, मैंने पार की कैसल, मैंने आई विल कैच द अदर किड। हाँ वो तेरे हाथ में नहीं आने वाला, उसको सात जन्मों की पुलिस ढूंढ रही है, वो उनके हाथ में नहीं आया, तो वो तेरे हाथ में खाक आएगा। बट एनीवेज गाइस मैं फंस चुका हूँ यहाँ पर यार, सारे टास्क ईमानदारी के साथ करने के बावजूद भी मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। ये मत बोलना कि वो चाबी इस दरवाजे की है, दरवाजा पूरा लॉक करके रखा हुआ है खड़ूस टीचर ने, और यहाँ पर बेड वगैरह भी लगा कर रखे हैं। इसका मतलब ये है कि कई बच्चे पूरी पूरी रात स्कूल के अंदर रुके होते हैं, पूरी छुट्टी उन लोगों ने इसकी बंद करके रखी होती है। तो अगर मैं यहाँ से चाबी निकालूं, और ये वाली चाबी अगर मैं इस दरवाजे के अंदर डालूं, तो मैं भी अपना काम बंद। अरे लेट्स गो, क्या बात है, एकदम से जबरदस्त काम हो चुका है यहाँ पर। और बच्चों ये चाबी तुम भी ले लो, कभी कभी भागने की कोशिश की तो भाई चाबी लेके ऐसे रफू चल। ओ देख लिया उसने मेरे को क्या? होली क्रैप, बच गया भाई, बच गया। अगर वो मेरे को देख लेती ना, तो लेने के देने यहाँ पे पड़ जाते। मेरी बस भी यहाँ पर आ चुकी है, वो खड़ी ब्रो। अगर मैंने बस मिस करती ना, तो मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा। ओके अगर मैं ऐसा दरवाजा खोल के उतरी खड़ी है यहाँ पर, शेट द स्कूल इज ओवर मैन। इसका मतलब ये है कि सारे बंदे, सारे बच्चे भी घर जाएंगे, और मैं यहाँ पर फंस जाऊंगा मैन। तो अगर मैं हल्के से दरवाजा खोल के देखूं, तो एक्चुअली जा रही है निकलो। अगर मैं आराम आराम से निकलूं और मैं यहाँ पे नीचे झांक के देखूं, तो यहाँ ये वाली जगह भी खाली हो चुकी है। मैदान एकदम से क्लियर है, कहीं वो गार्डन के अंदर है क्या? ओके गार्डन भी एकदम से खाली है, ये पूरा मैदान भी खाली है। और अपनी बस पे जाने वाली जो काम करते हैं, फटाफट से बैठते हैं बस के अंदर। इसको पता भी नहीं, इसको हूँ बच गया यार, गंदा पिट जाता मैं। और आई थिंक मेरे को अपनी थोड़ी बहुत आवाज़ नीचे करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इसको पता लग गया ना कि मैं बस के अंदर पीछे बैठा हूँ, तो ये अपनी पूरी बस वापस स्कूल की तरफ ले जाएगी, और मेरे को यहाँ पे बचाने वाला भी कोई नहीं है। लॉगी भी नहीं है, और बंदर ही भाग चुका है। वेल डन भाई,
यह खतरनाक काम हो रहा है। और मेरे को पता है कि अपना घर सामने वाली गली के अंदर आ चुका है और मेरे को यहीं से अपना घर देख रहा है। और भाई साहब अपने घर के पास एकदम से खतरनाक वाली नदी बनी है, मेरे को पता भी नहीं था। काम करता है, फट से यहाँ से निकल जाते हैं। कम ऑन, अभी वो गाड़ी मुड़वा के लेके आएगी तो मेरे को यहाँ से निकलना भी होगा। निकलो निकलो एंड लेट्स गो गाइस। एकदम से पीछे के दरवाजे से अपने घर के अंदर मैं घुस चुका हूँ। और घर से मेरे को याद आया गाइस, मेरे को लॉग की खबर भी लेनी है। वे व्हाट, ये नूबड़ा तो बोल रहा था कि इसका सर दुख रहा है, लेकिन ये तो यहाँ पर बास्केटबॉल खेल रहा है यहाँ पर। नाइस है भाई। लेकिन रुको, अभी मैं छुप छुप के जाके देखता हूँ। कम ऑन भाई, अब की बारी में यहाँ से शॉट मारूंगा। ये ले, कम ऑन ले ले। फुटबॉले चल रही है, मीना फुटबॉले बास्केटबॉले चल रही है। कम ऑन यार, मेरी बोल रहा था कि बीमार हूँ। हेलो, क्या बात है, स्कूल क्यों नहीं गया भाई? अरे बच्चे भाई, आप कहाँ से आ गए यार? मैं स्कूल से आया हूँ, पूरी पढ़ाई करके आया हूँ। टीचर तेरा पूछ रही थी और तू स्कूल भी नहीं आया। यार मेरे पैर में मोच आ गई है। भागो भागो भागो, रुक तू कहाँ जा रहा है? रुक तू जंगल के अंदर जाना। मैं भाग जाता हूँ यहाँ से। संपर्क कर दू, भाग गया मेरे जंगल से। लेकिन तेरे कोई बात नहीं गाइस, इट्स ओके। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं घसीट घसीट के स्कूल लेके जाऊंगा। चलिए कहते छोड़ दी, बड़ी तरह काफी है, मेरे को बहुत मजा आया। अगर आपको मजा आया लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।